सो भाई ये देख लो, अभी है अपने सामने बजाज पल्सर N160, और जो अपने साथ सामने ये खड़ी है ये है अभी बिल्कुल लेटेस्ट 2024 दी अपग्रेडेड N160, और ये खड़ी है अपनी पुरानी वाली। तो ये देख सकते हो, ये जो अभी पहले आ रही थी वो वाली है, और ये हैं दोनों अपग्रेडेड वन। तो भाई अपग्रेड वाली जो आ रही थी, इसमें अभी तक आपने सिर्फ ब्लैक कलर देखा होगा, और इसी का ही वीडियो मैंने भी आपको बना के दिया है, जो रिव्यू वीडियो मैंने बना के दिया है। बट मुझे आज भाई मधुर बजाज पे आया था, तो भाई मेरे को वाइट कलर दिखी। तो भाई ये वाइट कलर ना अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि किसी डीलरशिप पे पहुंची है, और ये मैंने कहीं देखी नहीं किसी डीलरशिप पे, बट यहाँ मैंने देखी। भाई बाइक बहुत ही बढ़िया लग रही है और काफ़ी खूबसूरत सी लग रही है। अब इस बाइक के अंदर ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेरी पसंद की है, वो मैं आपको बताया था क्या है, वो उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर सबसे पहले बात करें तो भाई आपको मिल जाते हैं यहाँ पे ये LED DRLs, जो कि भाई मतलब इग्निशन पे तो नहीं है, बट स्टार्ट करने के बाद ये ऑन हो जाएंगी। एंड यहाँ पे मिल जाएगा आपको ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प, प्रोजेक्टर मैं दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से आपको प्रोजेक्टर मिलने वाला है ये। और बाई प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, इसमें आपका हाई बीम लो बीम दोनों काम करता है। बाकी नंबर प्लेट यहाँ पे आप माउंट कर सकते हो, यहाँ पे आपकी आ जाएगी ग्लॉसी फिनिश है, और ये आपका सारा पार्ट जो है ये बॉडी कलर आपको मिलने वाला है वाइट कलर में। और बाकी यहाँ पे वही पुराने वाले ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो पहले आते थे वो उस तरीके से ग्राफिक्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर यहाँ पे बात करें भाई USD की, तो भाई अगेन यहाँ पे गोल्डन कलर का ही USD आते हैं इस कलर के अंदर भी, वाइट वाले में भी गोल्डन ही कलर आते हैं। ब्लैक में तो गोल्डन आ ही रहते हैं, बट वाइट में भी यहाँ पे गोल्डन है, यहाँ पे ऐसे कुछ डिफरेंशिएट बजाज ने नहीं किया है। और मडगार्ड्स, भाई मडगार्ड भी यहाँ पे चेंज हुआ है, क्योंकि भाई USD आया तो भाई मडगार्ड चेंज होना बनता ही था, तो यहाँ पे भाई मडगार्ड भी चेंज हुआ है। बाकी फ्लोटिंग टाइप है, बट ये वाला पोर्शन जो है ये आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। और 300mm की फ्रंट डिस्क देखने को मिल जाएगी, ग्रामिका का ब्रेक कैलिपर देखने को मिल जाएगा, डुअल चैनल एबीएस देखने को मिल जाता है। बाकी बात करें यहाँ पे फ्रंट टायर की, तो 100 सेक्शन का भाई MRF का जैपर टायर है, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो इस वाइट कलर में है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये ब्लैक वाले में जो है, ये भाई TVS का यूरो ग्रिप टायर है। भाई मुझको ये पर्सनली बेटर नहीं लगता, मुझको भाई ये वाला टायर ना काफ़ी बेटर लगता है, और ये काफ़ी चौड़ा वाइड लगता है टायर। भाई ये देख लो काफ़ी ज़्यादा वाइडनेस है इस टायर की, और उतनी वाइडनेस इस टायर में मुझे लग नहीं रही है। तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों 100 सेक्शन के टायर है, बट 100 सेक्शन की अगर बात करें ना, तो ये डिफरेंस भाई यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि भाई बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे मतलब लगता है कि भाई ये अच्छा लगता है मेरे को पर्सनली। MRF का जैपर टायर ना काफ़ी बेटर है नॉर्मल सिटी कंडीशन के लिए, सिटी राइड के लिए काफ़ी बेटर टायर है। बाकी टैंक की बात करें तो भाई यहाँ पे अगेन 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, और ये मेटलिक टैंक है पूरा। एंड यहाँ पे टैंक के आपको एक्सटेंशन मिल जाते हैं, जिसमें कि पल्सर की यहाँ पे बैजिंग दी हुई है। और हैंडल में ये चीज़ आपको पूरा यहाँ पे सिल्वर मिलेगा, और हैंडल जो अपना ये आपको स्ट्रीट फाइटर हैंडल बार मिलने वाला है। थोड़ा सा फ्रंट लीन होकर आप बैठोगे इसमें, और काफ़ी थोड़ी स्पोर्टी पोजीशन रखी गई है, मतलब आपका आप थोड़ा फ्रंट लीन हो गए, फुट पैक थोड़ा रियर के साइड पोजीशन करे गए हैं। बाकी यहाँ पे आपको अब ये मोड मिल जाते हैं ABS के, रोड, और साथ ही में यहाँ बात करें तो रेन और ऑफ रोड, ये तीन आपको मोड देखने को मिल जाते हैं। 10x10 नेविगेशन भी इसमें अंदर आई गया है आपको। और बाकी गियर पोजीशन इंडिकेटर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, बाकी ब्लूटूथ से पेयरिंग, आपके कॉल मैसेजेस के अलर्ट, वो सब आपको पहले भी देखने को मिलता था और अब भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी इंडिकेटर दिखा दूँ तो यहाँ पे भाई अब LED इंडिकेटर्स आ गए हैं, अगेन वही जो बजाज की सारी बाइक्स में आ रहे हैं, वही वाले इंडिकेटर है, फुली फ्लेक्सिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी स्प्लिट सीट आपको देखने को मिल जाती है, ये साइड पोर्शन में यहाँ पे N160 की बैजिंग देखने को मिल जाती है। और रियर वाला जो ये टायर है ना भाई, ये भी काफ़ी बेटर है, ये MRF का टायर है, और थोड़ा हार्ड कंपाउंड टायर होते हैं MRF के, बट काफ़ी बेटर होते हैं सिटी के लिए, जल्दी से घिसते नहीं है टायर, तो ये एक चीज़ है। बाकी रियर जो टायर है, ये अभी आपको 130 सेक्शन का रियर टायर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे टायर में कोई चेंजेस नहीं है, स्विंगा में भी कोई चेंजेस नहीं है, वही बॉक्स सेक्शन स्विंगा आपको देखने को मिलता है जैसे पहले मिलता था। साड़ी गार्ड देखने को मिल जाता है, ये टायर हगर देखने को मिल जाता है, और ये सस्पेंशन को डट्स मतलब मड वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये आपको हगर देखने को मिल जाता है, टायर हगर एक यहाँ भी दिया हुआ है। बाकी जितने भी ये आपको मिल जाएंगे ना फुट पैक्स, रियर फुट पैक्स, फ्रंट फुट पैक्स, ये सब आपको सिल्वर में मिलेंगे वाइट वाले में, और ब्लैक वाले में आपको कुछ सब कुछ ब्लैक ही मिलने वाला है। साइड स्टैंड सेंटर स्टैंड मिल जाएगा, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर आपको देखने को मिल जाता है, A160cc का एक आपको एयर कूल्ड इंजन, पहले इसमें एक ऑयल कूल्ड आता था, बट अब यहाँ पर आपको एयर कूलिंग ही देखने को मिलती है। तो भाई इंजन में चेंजेस करें हैं बजाज ने, तो यहाँ पे अब एयर कूल आपको देखने को मिल रहा है। और बात करें यहाँ पे पावर की, तो भाई 16 PS की पावर है, और 14.25 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क देखने को मिल जाता है। तो भाई इस इंजन की खासियत क्या है कि इसमें लो एंड टॉर्क काफ़ी बेटर है, क्योंकि भाई प्रॉपरली ये इंजन डिज़ाइन किया गया है सिटी राइड कंडीशन के हिसाब से, तो सिटी में अच्छी तरीके से आप लो एंड टॉर्क काफ़ी ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे वही चीज़ डिज़ाइन करी गई है इस बाइक के अंदर। और बाकी यहाँ पे बैली पैन देखने को मिल जाता है, अगेन फ्लोटिंग टाइप बैली पैन है, जिसमें कि जो नियर नीचे वाला पोर्शन आप देख रहे हो ये मैट ब्लैक है, और ऊपर वाला पोर्शन जो है ये आपको ग्लॉसी फिनिश में देखने को मिलने वाला है। बाकी एग्जॉस्ट में यहाँ पे आपको ऑक्सीजन सेंसर, कैटलिक कन्वर्टर सब आपको यहीं पे फ्रंट में देखने को मिल जाता है। अब आपको इधर से दिखा दूँ एक बार, तो भाई यहाँ पे जो टैंक पे ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे ये N160 वाले, 160 की यहाँ पे आपको बैजिंग देखने को मिल जाएगी,
ये देख सकते हो, तो ये ग्राफिक्स आपको यहाँ पे वाइट में थोड़े ज़्यादा विजिबल लगेंगे। बाकी और तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, मिरर्स आपको वही देखने को मिलने वाले हैं जो पहले आ रहे थे। मिरर्स में भी कोई खास चेंजेस करे नहीं है बजाज ने यहाँ पे। अब एक बार आपको मैं इसका एग्जॉस्ट नोट है, एग्जॉस्ट नोट और सुना देता हूँ। तो अब एक बार आपको इसका मैं एग्जॉस्ट नोट और सुना देता हूँ बाइक का, कि भाई इस बाइक में एग्जॉस्ट नोट किस तरीके से, तो वो सुन लो। अंडर बेली एग्जॉस्ट है ये ना, तो एग्जॉस्ट नोट भी सुन ही लो एक बार इसका। काफ़ी बेसिक एग्जॉस्ट नोट है इस बाइक का, काफ़ी रिफाइंड इंजन इसमें मिल जाता है इस बाइक के अंदर। तो अभी ये स्टार्ट हो रहा है, मीटर इसको बंद कर देते हैं और लेते हैं भाई सेल्फ। ये सेल्फ तो भाई ये आपको मिल जाएगा बेसिक एग्जॉस्ट नोट। और रियर की जो टेल लाइट है बात करूँ, यहाँ पे स्प्लिट टेल लाइट्स मिल जाती है देखने को। और ये आपको टेल टाइडी देखने को मिलती है जो कि फुली यहाँ पे एलुमिनियम वाली टेल टाइडी मिल रही है, एकदम मतलब कठोर एकदम मजबूत वाली। और क्वालिटी का इश्यूज कोई भी नहीं यहाँ पे, कोई अनइवन आपको पैनल गैप देखने को नहीं मिलेगा इसके अंदर। तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है भाई। और यूएसबी वगैरह आपको मैंने दिखाई दिया जैसे ऑन द गो अपने फ़ोन वगैरह चार्जेस चार्ज कर सकते हो इसके अंदर। अब बात करते हैं इससे एक शोरूम प्राइस की और ऑन रोड प्राइस के लिए। अगेन मैं आपको जैसे हर वीडियो में बताता हूँ कि भाई ऑन रोड प्राइस के लिए अगर आप बेटर ऑफर चाहते हो ना, तो भाई आप डायरेक्टली शोरूम पे कॉल कर लो भाई, कसम से कह रहा हूँ बहुत बढ़िया ऑफर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको इसका एक शोरूम प्राइस और इसमें बता दूंगा कि कितने पैसे में आपकी बाइक में ईएमआई हो जाएगी। तो भाई बात करूँ अगर इसके प्राइस की, इसका एक शोरूम प्राइस बताता हूँ आपको। इसका एक शोरूम प्राइस जो है वो है 1,39,700 रुपीज़ डेली। तो भाई ये डेली का एक शोरूम प्राइस है। ऑन रोड प्राइस के लगे अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आप मधुर बजाज पे कॉल कर सकते हो, जिसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये बाइक भाई वन ऑफ द बेस्ट बाइक है, अगर आप एक सिटी के लिए आप राइड करना चाहते हो और डेली अपने ऑफिस से अप डाउन करना चाहते हो, तो वन ऑफ द बेस्ट बाइक है। और काफ़ी ज़्यादा भाई सेल है इस बाइक की इस टाइम, और काफ़ी डिमांड है मार्केट में, क्योंकि भाई इसके इंजन की स्मूथनेस, इंजन की रिफाइनमेंट और साथ में इसका एग्जॉस्ट नोट और साथ ही में इसका जो लुक्स है भाई, लुक्स सुपर क्लियर लुक्स है इस बाइक के। तो भाई मैं कहता हूँ कि भाई एक बार अगर आपको बाइक बाय करनी है तो भाई आप आओ मधुर बजाज में, यहाँ पे आपको टेस्ट राइड भी मिलेगी, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, बाइक में एक अच्छी डील और अच्छा ऑफर भी मिलेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे भाई कॉल या विजिट करना पड़ेगा। अब बात करें यहाँ पे अगर इसमें फाइनेंस फैसिलिटी की, तो भाई डाउन पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी वो आपको बताता हूँ। तो भाई जो मिनिमम डाउन पेमेंट अगर आप बात करें यहाँ पे, तो मिनिमम डाउन पेमेंट आपको 15,000 से 20,000 रुपये के आसपास डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। अगेन आपका सिविल इसमें अच्छा होना चाहिए, और अगर आपका सिविल ख़राब है तो इसका मतलब ये नहीं आपको बाइक नहीं मिलेगी, थोड़ा आपको डाउन पेमेंट वगैरह इंक्रीज़ हो जाएगा, बट आपको बाइक यहाँ से दे के ही भेजेंगे। तो उसकी टेंशन आपको लेनी नहीं है, सिविल की टेंशन आपको नहीं लेनी, किसी चीज़ की टेंशन आपको नहीं है, आपको पैसे लेकर आने हैं। अगर सिविल अच्छा है तो भाई 15,000 से 20,000 रुपये लेकर आओ, और सिविल आपको पता थोड़ा सा ख़राब है तो भाई थोड़ा सा अपनी डाउन पेमेंट इंक्रीज़ कर दो, बाइक आपको मिल जाएगी। तो भाई जब नई बाइक आपको मिल रही है 15,000 से 20,000 रुपये में, तो भाई पुरानी बाइक क्यों लेनी है? तो पुरानी बाइकों की तरफ मत जाओ, नई बाइक की तरफ आओ, नई बाइक लो अपने घर में। और नई बाइक भाई एक लक्ष्मी की तरह होती है, तो अपने घर लेके जाओ और अपनी नई शुरुआत करो। नई बाइक है तो भाई नई बाइक की फीलिंग ही अलग होती है, स्टार्टिंग से आपके पास है, आपको पता है कैसे हैंडल कर रहे हो एक इस मशीन को, इस इंजन को। सो वो एक चीज़ है। बाकी ये बात कैसी लगी ये वीडियो और कैसी आपको इन्फॉर्मेटिव, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है और कुछ इन्फॉर्मेशन में जो मैंने दिया आपको अच्छी लगी, तो भाई कमेंट ज़रूर करना और अपनी ये वीडियो को अपने यारों दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे एक और अच्छी प्यारी सी वीडियो में, जब तक लेट टिल देन सी यू, ओके बाय बाय।